नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आज शामली के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में और ऊंचा गांव में बन रहे पीएसी कैंप और गुर्जरपुर में फायरिंग रेंज का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सीएम अन्य कई योजनाओं की भी सौगात दे सकते हैं। वहीं सीएम योगी के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के प्रचार के लिए शामली आए सीएम योगी ने कांधला और कैराना के बीच पीएसी कैंप की स्थापना की घोषणा की थी और प्रशासन ने जनपद से ऊंचा गांव में करीब 420 बीघा भूमि पर पीएसी कैंप और रसूलपुर गुर्जर में 90 बीघा जमीन पर फायरिंग रेंज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसका आज सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। तो शामली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पीएसी कैंप का शुभारंभ करेंगे। ऊंचा गांव में बन रहे पीएसी कैंप और गुर्जरपुर में फायरिंग रेंज का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के प्रचार के लिए शामली आए सीएम योगी ने कांधला और कैराना के बीच पीएसी कैंप की स्थापना की घोषणा की थी। प्रशासन ने जनपद के ऊंचा गांव में करीब 420 बीघा भूमि पर पीएसी कैंप और रसूलपुर गुर्जर में 90 बीघा जमीन पर फायरिंग रेंज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसका सीएम योगी आज शुभारंभ करेंगे। यहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की भी सौगात दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे मुख्य कारण है उनके दौरे का, पीएसी कैंप और इसके साथ ही फायरिंग रेंज जो कि शामली में बन रहा है, उसका शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शामली के दौरे पर रहेंगे और अन्य कई परियोजनाओं की भी सौगात दे सकते हैं। अन्य कई परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। शामली के दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी, पीएसी कैंप और फायरिंग रेंज का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का शामली दौरा है, जहां पर कई बड़ी सौगात दे सकते हैं शामली जिले को। सबसे पहले यहां पर पीएसी कैंप का शुभारंभ करेंगे, जो 600 बीघा जमीन पर बन रहा है और इसके साथ ही 90 बीघा जमीन में बने फायरिंग रेंज का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही सीएम योगी ने यहां पर इस बात का ऐलान किया था और अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर उसका शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। पीएसी कैंप और फायरिंग रेंज का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। और शामली से हमारे सहयोगी पंकज मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। पंकज, सीएम योगी का दौरा है, कितने बजे तक सीएम आएंगे और पूरा कार्यक्रम क्या कुछ जानना चाहेंगे आपसे? बिल्कुल दुर्गेश, मैं तो बता दूं, आज सुबह शामली है, जो कि 270 करोड़ की योजना शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 2:20 पर सीएम योगी का जो हेलीकॉप्टर है वो शामली पुलिस लाइन में पहुंचेगा और उसे जो है पैदल वाल तक पहुंचेंगे, जिसके बाद वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 270 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें कमांडर के खाते में आने थे वो नहीं आ पाए, जिसके कारण जो बहनावे हैं वो जमीन भूमि के जो बहनावे तो नहीं हो पाए, जिस कारण जो है उनका यह शिलान्यास का कार्यक्रम जो है पीएससी कैंप का फिलहाल निरस्त हो गया है, जबकि जो पुलिस लाइन है वहां पे शिलान्यास क्रम रहेगा और अन्य जो परियोजनाएं हैं उनका जो शिलान्यास और लोकार्पण है वो सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। दुर्गेश, क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं उनके दौरे को देखते हुए? बिल्कुल, दौरे को देखते हुए मैं अगर बात करूं तो विशेष तैयारियां की गई हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं, पूरी तरीके से तैनात किया गया है। 14 जो पुलिसकर्मी वो इस पूरी जो सीएम योगी का जो सुरक्षा घेरा है उसमें लगाए गए हैं, जिसमें 14 एएसपी हैं, 5 बटालियन पीएससी है, तो वहीं से जो मजिस्ट्रेट और अन्य जो सरकारी अमला है वो बाहर से आया है, उसको भी जो है
सभा स्थल पर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो बता दें आपको कि सीएम योगी शामली के दौरे पर रहेंगे, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे शामली जिले का, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर फायरिंग बट का शुभारंभ करेंगे और बड़ी खबर सहारनपुर से बता दें आपको, पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश को गोली लगी है और एक फरार है इस बदमाश यहां पर, और चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। जब चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए तभी मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश शराफत और बोना को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। सदर बाजार के जगेड़ी में मुठभेड़ हुई है जहां पर पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा फरार हो गया है। जो घायल बदमाश है जिसे पकड़ा गया है उसका नाम शराफत उर्फ बोना बताया जा रहा है और कई संगीन मामले हैं इसके ऊपर। इसके पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। सदर बाजार के जंघेड़ी में ये मुठभेड़ हुई है। सहारनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है पुलिस ने, लेकिन एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। गिरफ्तार किया गया बदमाश शराफत उर्फ बोना इसका नाम है और कई संगीन मामले हैं इसके ऊपर। अवैध असलहा भी इसके पास से बरामद किया गया है। सदर बाजार के जगेड़ी में मुठभेड़ हुई है जहां पर चेकिंग के दौरान आमने सामने आ गए पुलिस और बदमाश और ये मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को यहां पर गोली लगी है और दूसरा फरार हो गया है। सहारनपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश को गोली लगी है, एक मौके से फरार हो गया है। चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश आमने सामने आ गए पुलिस और बदमाशों के बीच, वहीं आमने सामने आने के बाद मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश शराफत और पोरा गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। सदर बाजार के जंघेड़ी में मुठभेड़ हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। रामपुर पेशी पर गए आजम खान को देर रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा सीतापुर जेल लाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। रामपुर पेशी पर जाते समय आजम खान ने योगी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा था कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है, जिसके बाद सीतापुर पुलिस प्रशासन काफी मुश्तैद दिखा। रात को करीब 12 बजे आदम और उनके परिवार को भारी सुरक्षा के बीच जेल के अंदर लाया गया। बता दें कि रामपुर में बकरी और भैंस चोरी समेत 47 मामले में सरेंडर का एप्लीकेशन दायर किया गया था, जिन पर एडीजे 6 की कोर्ट ने सुनवाई की। और इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट होने के आरोप में दर्ज मुकदमों की भी सुनवाई हुई। अलग अलग मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 और 17 मार्च की तारीख तय की है। इसलिए अब 17 मार्च तक आदम खान और पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे के साथ जेल में रहेंगे। और सीतापुर से हमारे सहयोगी शमी अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। शमी, आजम खान पहुंच चुके हैं, कितने बजे आजम खान यहां पर आए हैं वापस और अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल है जेल का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा दुर्गेश, जो है कल सुबह जो है आजम खान को जो करीब 9:15 बजे यहाँ से रामपुर और उसके बाद में जो है उनको जो है वहाँ पेशी से वापसी के दौरान करीब 12 बजे रात को जो है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी जो तंजीम फातिमा है उनको जो है वापस 12 बजे देर रात को जेल में शिफ्ट किया गया। आपको बता कल जाते समय जो आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि हमारे साथ जो है जेल के अंदर टेररिस्ट जैसा व्यवहार किया जाता है, इसको लेकर जो है काफी गहमा गहमी रही थी, जिसके बाद जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की थी और मीडिया को जो है इन सब से दूर रखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है देर रात को करीब 12 बजे आजम खान और उनके पूरे परिवार को जो है सीतापुर जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। जी दुर्गेश, फिलहाल क्या कुछ माहौल है अभी कारागार का जहां पर आजम खान को शिफ्ट किया गया है, अभी सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ माहौल है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दुर्गेश, जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जिला कारागार के बाहर करीब एक प्लाटून पीएससी और तमाम जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि जिला प्रशासन ने और जेल प्रशासन ने जेल के बाहर जो भारी पुलिस बल को तैनात कर रखा है। इसके अलावा जो आजम खां से मिलने आने वाले लोग हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और उन पर भी जो है नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आजम खां को जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है जिला कारागार में रखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शमी। तो बता दें आपको आजम खां अब 17 मार्च तक इसी जेल में रहेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है प्रारंभिक। सीतापुर जेल में आदम खां देर रात पहुंच चुके हैं और 17 मार्च तक अब जेल में रहेंगे आदम खां, क्योंकि कोर्ट ने अन्य मामलों की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। और बड़ी खबर कौशाम्बी से बता दें आपको, बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश को गोली लगी है। बदमाश मान सिंह को गोली मारी गई है। चरवा के काजू गांव के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश मान सिंह घायल हो गए हैं। बदमाश मान सिंह पर 18 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने इनामी बदमाश को भर्ती कराया है। बदमाश का इलाज चल रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 50,000 का इनाम घोषित है इस बदमाश पर। कई संगीन मामले दर्ज हैं, 18 मामले दर्ज हैं बदमाश मान सिंह पर। 50,000 का इनाम घोषित है मान सिंह पर। ये बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है जहां पर बदमाश मान सिंह, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। चरवा के काजू गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई है जिसमें मान सिंह को गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश मान सिंह पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। पचास हजार के इनामी बदमाश को ये गोली लगी है। बता दें आपको कि मान सिंह को गोली लगी है। बदमाश का नाम मान सिंह बताया जा रहा है। 50,000 का इनाम घोषित है उसके ऊपर। 18 मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर। पुलिस ने इनामी बदमाश को भर्ती कराया है। कौशाम्बी के चरवा स्थित काजू गांव के सामने देर रात पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गोली लग गई। सूचना पर एसपी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची और उसे अस्पताल भेजा। दरअसल कोखराज के नथई के पूरा गांव के पास रहने वाला मान सिंह शातिर बदमाश है और बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कोखराज समेत कई थानों में 22 मुकदमे दर्ज हैं। कोखराज थाने में से करीब 25 मुकदमे से वांछित था और कोखराज समेत अन्य थानों के पुलिस और उसकी काफी दिनों से तलाश में थी। रात करीब 10 बजे सर्विलांस के जरिए जानकारी मिली थी कि वह चरवा थाने के काजू गांव के पास मौजूद है। पुलिस भी अलर्ट हो गई और पता चला कि वह पल्सर बाइक से किसी घटना को अंजाम देने के लिए वहां खड़ा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया जिसकी भनक मान सिंह को लग गई और वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस के सामने आते ही उसने फायर झोंक दिया जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे मान सिंह को गोली लग गई। हालांकि चर्चा रही कि सिपाही भी घायल है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ बदमाश को ही गोली लगी है। आज एक यहाँ कुख्यात लुटेरा मान सिंह पासी, जिसको जो कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और जिसके पीछे हमारी जो है स्वाट टीम्स और कई थानों की पुलिस लगी हुई थी, वो सीओ चायल के निर्देशन में आज उसको उन लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया।
लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे ही उसे यह अंदाजा लगा कि पुलिस उसके पकड़ लेगी, उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उसके ऊपर फायर किया, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी है। ये व्यक्ति हिस्ट्री शूटर है और थाना कुकरा क्षेत्र का रहने वाला है। 22 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर संपत्ति संबंधी अपराधों के पंजीकृत हैं, जिसमें कि 10 लाख 20 लाख यहाँ तक कि 30-35 लाख तक की लूट इसने अंजाम दे रखी है। 4 मुकदमों में ये वांछित था। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है, 50,000 का इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मानसिंह नाम है इस बदमाश का और काजू गांव में मुठभेड़ हुई है जिसमें इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। कोखराज के नथईपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। मानसिंह शातिर बदमाश है और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। बता दें आपको इसके ऊपर करीब 22 मुकदमे दर्ज हैं और 22 और कौशाम्बी से हमारे सहयोगी शेषधर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। शेषधर, जाना चाहेंगे आपसे पूरा मामला, मुठभेड़ कब हुई और कैसे पकड़ में आया ये बदमाश? कौशाम्बी के चरवा थाने पिपरी चरवा पुलिस ने रात को शातिर अपराधी मानसिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मानसिंह के ऊपर पूरे कौशाम्बी 22 मुकदमे, जहाँ की कोखराज थाना क्षेत्र में 15 मुकदमे है, 50,000 के नाम घोषित था। चरवा पुलिस को मुखबिर सूचना पे देर रात जो है मुठभेड़ दौरान गिरफ्तारी की गई। कैसे जानकारी मिली पुलिस को और बदमाश के पास से क्या कुछ बरामद हुआ, ये भी जानना चाहेंगे आपसे शेषधर जी। बिल्कुल, बदमाश ने मोटरसाइकिल से सवार जा रहा था, पुलिस को जानकारी, पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की, जवाब में बदमाश ने फायर किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल हुआ। बाद में घटनास्थल पर SP कौशाम्बी अभिनंदन कुमार सर्किल के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर चंदौली से बता दें आपको, यहां पर 5 महिला मजदूर लापता हो गए हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, अभी तक लापता लोगों का शव नहीं मिल पाया है। गंगा नदी में नाव पलटने का ये पूरा मामला है, जिसमें 5 महिला मजदूर लापता हो गई हैं, अभी तक उनके शव बरामद नहीं हो पाए हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी की NDRF की टीम का रेस्क्यू जारी है। धीना थाना क्षेत्र के महोजी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला मजदूरों के शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। गंगा नदी में नाव पलटने का मामला है, रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला है, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन अभी तक लापता लोगों के शव नहीं मिल पाए हैं। वाराणसी की टीम की NDRF की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के NH9 पर रात में सड़क धंस गई और इसमें एक बस और एक डंपर भी धंस गए। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और देर रात तक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी थी। बताया जा रहा है कि NH9 पर राहुल विहार के पास नीचे की तरफ दिल्ली गाजियाबाद को आने वाली सड़क बारिश होने के कारण अचानक धंस गई। धसी सड़क नहीं दिखने के कारण एक डंपर भी इसमें धंस गया और इस बीच बस चालक को धसी सड़क नहीं दिखाई दी, बस भी इस सड़क में धंस गई। बस में चालक और परिचालक सवार थे। सड़क धंसने पर नीचे वाली रोड पर लंबा जाम लग गया और फिलहाल घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। और बड़ी खबर श्रावस्थित बता दें आपको, इकोना में पुलिस प्रशासन की छापेमारी हुई है। किराना सब्जी दुकानों समेत होटलों में छापा मारा गया है। होटलों में 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। दुकानों से भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद की गई, सभी पर प्रशासन ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। SDM और CO के इकोना में संयुक्त छापेमारी की गई। श्रावस्थित से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इकोना में पुलिस प्रशासन की छापेमारी हुई है, जिसमें किराना सब्जी और होटलों में छापा मारा गया है। होटलों में 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद की गई है।